हेलो गाइस, क्या यूट्यूब शॉर्ट से पैसा कमा सकते हैं? ये इस टाइम आजकल एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि यूट्यूब शॉर्ट से पैसे कैसे कमाएं। अगर आप भी शॉर्ट्स क्रिएटर हैं या यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो आप शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर बनाते होंगे, तो यूट्यूब शॉर्ट्स से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं इस बारे में आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। सब कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है राजकरण और आप देख रहे हैं राजकरण स्टैक। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो YouTube क्रिएटर हैं वो YouTube से कैसे पैसे कमाते हैं। तो चलिए हम आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन में लेके चलते हैं। तो हम लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऊपर वीडियो रिकमेंड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रिएटर होते हैं वो YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं, जो शॉर्ट्स नहीं बनाते, काफ़ी बड़े वीडियो, मतलब जो बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं कोई वीडियो चालू करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो आप जैसे ही वीडियो चालू करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब ऊपर कुछ एड्स दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारे एड्स आते हैं, इनका जो भी YouTube क्रिएटर होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, जो अपने YouTube पे वीडियो डालते हैं तो उनके जब वीडियो प्ले किए जाते हैं तो ऊपर जो ऐड आते हैं उनके थ्रू जो क्रिएटर होते हैं वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। पर शॉर्ट्स में क्या होता है भाई, जैसे हम शॉर्ट्स ओपन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट्स हमने ओपन किया, फिर इसको स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते भाई इसमें ऐड कहाँ पर आता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, देखिए अभी एक ऐड आया शॉर्ट्स का, ये देखिए जो उसका ऐड आया है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट्स से क्या होता है कि जो शॉर्ट्स में जो ऐड आते हैं उनका जो भी फ़ायदा होता है यूट्यूब वालों को, जो भी फ़ायदा होता है वो यूट्यूब के पास जाता है, किसी क्रिएटर के पास नहीं जाता, किसी इंडिविजुअल क्रिएटर के पास नहीं जाता। और जो वीडियो में जो भी एड्स आते हैं उनका जो भी फंड होता है वो उसका 45% यूट्यूब रखता है और उसका 55% क्रिएटर को देते हैं। तो इस तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। पर रही बात शॉर्ट्स की, तो शॉर्ट्स में इस तरीके का कोई भी अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और मेरे हिसाब से एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाए शायद, जैसे कि एक जब ऐड आता है, जैसे एक ऐड आया, एक उसके पहले वीडियो देखी थी हमने, फिर उसके बाद ऐड आया, फिर उसके बाद वीडियो देखी, ठीक। तो क्या हो सकता है इसमें जो बीच में ऐड आता हो सकता हो उसमें से जो भी कमाई होती हो YouTube उसका कुछ परसेंट ऊपर नीचे वाले क्रिएटर्स को दे दे कुछ परसेंट। बट यार इसमें कई सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं उनके बीच में ऐड नहीं आया तो, और जो नॉर्मल क्रिएटर उनके बीच में ऐड हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल सा है। पर YouTube से जो YouTube शॉर्ट से पैसे कमाने की जो बात चल रही है वो इस तरीके से बात चल रही है कि YouTube अपनी तरफ से इस बार 100 मिलियंस का फंड निकाल रहा है, जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जिनके शॉर्ट्स पर अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए हैं वो क्या करेगा यूट्यूब की जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं उनको कुछ कुछ परसेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपस में। तो ये एक न्यूज़ निकल के है जिसके थ्रू यूट्यूब जो शॉर्ट्स क्रिएटर वो पैसे कमा पाएंगे। बाकी तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि कोई और तरीका है YouTube शॉर्ट से पैसे कमाने का। पर इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बस यही बताना था कि YouTube शॉर्ट से कितनी कमाई हो सकती है। अगर आप भी एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो हम इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए। और हाँ, मैं सफीटेक का मेंबर हूँ, सफीटेक का स्टूडेंट हूँ। अगर आप भी रायबरेली के निवासी हैं, आपको बता दें रायबरेली उत्तर प्रदेश की एक सिटी है, बहुत ही एडवांस लेवल की सिटी रायबरेली, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। और सफीटेक सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर रायबरेली ज़िले में खुला है। आप अगर रियान स्कूल का नाम सुनेंगे, रियान इंटरनेशनल स्कूल के जस्ट बगल में, और यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्स अवेलेबल हैं। सफीटेक सेंटर के MD सर रिजवान खान हैं, उनका नेचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में उन्हें नॉलेज है, हर एक फील्ड में उन्हें कंप्यूटर के बारे में हर एक अच्छी चीज़ अच्छे से पता है। और उनकी gmail ID मर्सीफुल रिजवान खान है, और काफ़ी ज़्यादा दयावान व्यक्ति हैं वो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप रायबरेली के निवासी हैं, तो अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके दोस्त रिलेटिव्स अगर किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करना है
तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा, उनसे कॉन्टैक्ट करने की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा रायबरेली में जितनी भी कोचिंग है सबसे अलग है। यहाँ पे खुद मैं स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा मुझे यहाँ पे टीचिंग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और मैं इसके पहले दो जगह जा चुका हूँ पर मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा सपोर्ट वहाँ नहीं मिला जहाँ जितना मुझे यहाँ मिला है। और मैं अभी आगे कोडिंग की तैयारी करूँगा, उसके बाद कोडिंग लैंग्वेज सीखने वाला हूँ। अगर आप में से कोई भी बंदा, आप में से कोई बंदा प्रोग्रामर बनना चाहता है या फिर और कंप्यूटर के और भी कई फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो एक बार सफीटेक सेंटर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सफीटेक सेंटर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजबल टॉपिक वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।